हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे सुपरमैन से रिलेटेड, डेयर जॉनसन से रिलेटेड, उनकी अपकमिंग जो ब्लैक वेडर मूवी आ रही है, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ डिलीट सीन के बारे में जो कि जस्टिस लीग के हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे रिजेक्ट कौन सा पार्ट बैनर के बारे में जो कि है व्हाट्सएप पेरी के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस लीग के कुछ डिलीट सीन के बारे में। आप सभी जानते हो कि मेन जो स्टोरी है वो ये है कि जस्टिस लीग को साइन करा था डायरेक्ट करने के लिए जैक स्नाइडर ने। उनकी जो डॉटर थी वो मर गई थी बीच में, उन्होंने उसकी याद में या कोई और रीजन होगा शायद, तो मे बी उन्होंने ये मूवी छोड़ दी। फिर बाद में ये मूवी मिल गई एवेंजर्स के डायरेक्टर जॉस विडो को, जिन्होंने 2012 वाली एवेंजर मूवी बनाई थी। अब उन्होंने जो जैक स्नाइडर ने बनाई थी मूवी, पूरी सीन हटा दिए और जॉस विडो ने दोबारा से रीशूट करके मूवी बनाई। अब बता ये रहे हैं कि जितने भी डिलीट सीन हमारे सामने आ रहे हैं और कास्ट इतना ज्यादा जो फोकस कर रही है कि जैक स्नाइडर के डिलीट सीन को रिलीज करा जाए, तो इसका मतलब जैक स्नाइडर ने सबसे बेस्ट मूवी अब बनाई थी डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की जस्टिस लीग, पर उसको बर्बाद कर दिया जॉस विडो ने। और इसलिए ये सारी कास्ट सपोर्ट कर रही है कि जैक स्नाइडर के डिलीट सीन को रिलीज करा जाए। तो आपको मैं बता दूं, अगर ये सारे सीन हमें कब देखने को मिलेंगे, ये सारे सीन देखने को मिलेंगे हमें HBO Max पर, जो कि वॉर्नर ब्रदर्स कंपनी की एक नई अपकमिंग टीवी सीरीज आने वाली है। उसमें पूरा हमें डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा और सारे डिलीट सीन भी देखने को मिलेंगे। तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है और फाइनली जब HBO Max पे ये सारे डिलीट सीन आ जाएंगे तो वो इंटरनेट पे भी ऑनलाइन आ जाएंगे। पर मेरे हिसाब से अगर जैक स्नाइडर इस मूवी को पूरा बनाते तो वो सुपरहिट जाती। और साथ ही साथ टाइटन सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है, उसके कुछ काफी सारे डिलीट सीन भी देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ नाइटविंग का आज के दिन एक नया लुक नजर आया है जो कि काफी कमाल का लग रहा है, आप देख ही सकते हो। अगर आपको ये देखना है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके देख सकते हो। उसके साथ वॉर्नर ब्रदर्स कंपनी ने इतने साल बाद अपना फाइनली लोगो चेंज कर लिया, तो काफी टाइम से ये वायरल हो रहा है और मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूडिंग करा जाए न्यूज में। जेम्स गन ने कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए थे जिसमें कि उन्होंने बताया कि डीसी और मार्वल की एक मूवी पॉसिबली आ सकती है, पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वंडर वूमेन डेट अर्थ का एक ऑफिशियली एक एनिमेशन मूवी बन रही है उसके ऊपर, तो उसका ये फर्स्ट लुक है जो कि काफी कमाल का लग रहा है। एक्वामैन का जो भाई था ओशन मास्टर, वो फाइनली दोबारा से रिटर्न हो रहा है और आप इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये कंजरिंग यूनिवर्स में मेन कैरेक्टर भी है। हैनली जो कि सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, ये ब्लैक एडम मूवी में आ सकते हैं, इसका एक अब छोटा सा अपडेट आया है। लॉरेंस जो कि जोकर मूवी में सिनेमेटोग्राफर थे, अब वो काम कर रहे हैं ब्लैक एडम मूवी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। जोकर तो सुपरहिट चली गई, मैं चाहता हूँ ब्लैक एडम भी जाए। अब बात करते हैं व्हाट्सएप पेरी के बारे में। तो उसके कुछ रिजेक्टेड कौन सा पार्ट बैनर थे। अब हुआ क्या कि प्रोड्यूसर था जो इसकी मार्केटिंग करने वाला, उन्होंने ये बैनर उनके सामने आए और हुआ क्या कि उन्होंने ये सारे रिजेक्ट कर दिए क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहे हैं, और उन्होंने ये बिल्कुल समझ लो मना ही कर दिया। और फाइनली फिर ये बाद में लीक भी कर दी गए और लोगों को ये इतने ज़्यादा पसंद आए कि ये वायरल होने लग गए, और इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी अपडेट में इंक्लूडिंग कर लिया जाए। और ये हैं व्हाट्सएप पेरी के, अगर आपको ये चाहिए जो कि रिजेक्टेड कौन सा पार्ट है, तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं आईट्यून्स इंडिया ने एक बैनर बनाया जिसमें कि शज़ैम को भी इंक्लूडिंग करा गया, तो यानी कि शज़ैम भी अब सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है डीसी का। उसी के साथ ब्लैक एडम में हमें सोसाइटी जस्टिस लीग दिखाई जाएगी, यानी कि कुछ और नए मेंबर दिखाए जाएंगे जो कि टीम मेंबर का पार्ट होंगे। ये होगा हमारा आने वाला फ्यूचर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर बैटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।